रविवार को कोरोना वायरस के संक्रमण ने गाजीपुर में सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों ने शतक मार दिया है। रविवार को गाजीपुर में विशेष एंटीजन टेस्ट किट से टेस्टिंग का विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान की वजह से जो नतीजे निकल कर सामने आए हैं वो न केवल चौंकाऊ हैं बल्कि चिंताजनक भी हैं। गाजीपुर में अकेले रविवार को कोरोना संक्रमण के 120 नए मामले हैं। ये अब तक का एक दिन का सर्वाधिक मामला है। रविवार को चलाए गए इस विशेष टेस्टिंग अभियान में कुल 3,870 लोगों का एंटीजन टेस्ट किया गया था। रविवार को कोरोना का कहर रेवतीपुर थाने पर भी टूटा है। प्रभारी निरीक्षक समेत 6 पुलिस जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले भी रेवतीपुर में कोरोना संक्रमण के मामले मिलते रहे हैं, लेकिन इतनी संख्या में पुलिस वालों के संक्रमित होने से हड़कंप मच गया है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि इस विशेष अभियान में गाजीपुर में कहां कहां कितने एंटीजन टेस्ट हुए और कहां कितने लोग संक्रमित पाए गए। गाजीपुर में इस विशेष अभियान के तहत कुल 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटीजन टेस्ट किट से जांच कराई गई। आइए आपको एक एक कर सबकी जानकारी देते हैं। MMU बहादुरगंज में 80 सैंपल में से 4 पॉजिटिव निकले हैं। इसी तरह MMU नंदगंज में 156 में से 2 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। PG कॉलेज गाजीपुर में लिए गए 246 सैंपल में 21, जिला चिकित्सालय के 80 सैंपल में से 4, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा के 133 सैंपल में से 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराचवर के 203 सैंपल में से 6, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोड़ाउर के 180 सैंपल में से 3, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कासिमाबाद के 190 में से 2 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखनिया के 270 में से 7 सैंपल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मर्दा के 237 सैंपल में से 10, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेवतीपुर के 116 में से 7, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमानिया के 192 में से 2, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवकली के 396 सैंपल में से 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करंडा के 199 सैंपल में से 2, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिहारी के 144 में से 2, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जापुर के 144 में से 2, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद के 403 में से 29 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर के 241 में से 9 सैंपल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हीं सब के बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनो से 88 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुभाखरपुर से भी 38 सैंपल लिए गए थे, लेकिन इन दोनों जगहों पर कोई पॉजिटिव रोगी नहीं मिला है। गाजीपुर की ये हालात अब चिंतित करने वाले होते जा रहे हैं। ऐसे में हमारी आप सभी से अपील है कि अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहनें, खुद को सैनिटाइज रखें और अपनी इम्यूनिटी मजबूत करने में जुटे रहें। और गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।